बालाघाट जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं की सहूलियत के लिए 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौर में कोई रोजगार का साधन नहीं होने से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। गरीब नागरिकों के पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इनकी मदद के लिए आगे आई है। केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे कमजोर वर्ग के नागरिक विशेषकर महिलाएं सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। रसोई गैस की समस्या हल हो जाने से ये महिलाएं अपने घर के कामकाज जहां आसानी से निपटा सकेंगी, वहीं अब रोजमर्रा के काम से फारिग होकर दूसरे काम धाम भी कर सकेंगी। अच्छा फील करते हैं, यानी हमको सुविधा मिल रही है सरकार से। कहना चाहिए हम घर के बाहर नहीं जा सकते, तो घर बैठे हमको गैस की सुविधा मिल रही, तो अच्छा फील कर रहे हैं। समस्या तो बहुत सारी है, जैसे पैसा नहीं रहता था हाथ में, हाँ जाने के लिए वाहन साधन नहीं रहता था, यानी गांव में उपलब्ध नहीं होती थी गैस, 10 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता था हमको। कोरोना के वजह से कमाई कुमाई सब बंद हो गया है। इस परिस्थिति में आज प्रधानमंत्री हमको जो गैस दी है और जो 3 महीने तक मिलेगी फ्री, उससे हम बहुत खुश है। ये कनेक्शन नहीं मिलता तो यह मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। इस मतलब ये कनेक्शन मिलने से हमें अभी सुविधा मिल चुकी है। प्रधानमंत्री जी जो योजना के अनुसार जो दे रहा है गैस, वो मतलब उससे बहुत लोगों की सुविधा हो रही है। केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर तबके का खास ख्याल रखते हुए 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू की है। ये निश्चित ही उन परिवारों के लिए एक संबल है जो अब तक अपनी रसोई के लिए परेशान हो रहे थे। केंद्र सरकार के इस जनहितकारी फैसले से उन्हें आत्मविश्वास आएगा और वे संकट के इस दौर से उबर कर एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, बालाघाट।